गोड़ातनी हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक परिवारों के एक बार फिर से स्वागत कर देनी। स्वागत हम ऐसे कर देनी कि ढेर दिन के बाद रुवालों के सामने आयल बनी और माफ़ी भी साथ साथ मांगत नहीं कि कुछ व्यस्तता और कुछ और भी कारण रहे जो ना के चलते खिसियो रहे रुवालों से कि रुवालों भोजपुरी के काहे इतना अनेरिया समझता नहीं, काहे इतना दूर रख ले बनी, जबकि भोजपुरी के लड़ाई लगातार चल रहा बड़ू है। ये दुनिया के सबसे मीठ भाषा अगर कहल जाओ गुरों से मीठ तो भोजपुरी बा। हमार कोशिश रहेला कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र और खास करके दुनिया भर में रहे वाला लोग जो कि भोजपुरी के प्यार करेला, दुलार करेला, सम्मान करेला, वो लोग तक अपना भाषा में खबर पहुँचाई कि देश दुनिया में होकर रहल बा। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल सहित कुछ ऐसा हिस्सा जो उनकी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र बा, ओकरा खातिर हम पूरी तरह से समर्पित बानी। ये वेशभूषा भोजपुरी के हा और ओकरे के लेकर के रुवालों के सामने हम हाजिर हो गए। आजो रुवालों के सामने हाजिर भइल बानी, भले रुवालों जितना चाहें उतना दुलार प्यार मत दीं, लेकिन हमार मन भोजपुरी से एने उने ना जा सकेला, ना उचट सकेला। ये हमारा अंदर नस नस में समाइल बा और यही चलते कतनो मन में खिसपित रहेला, कतनो रुआ लोग हमरा के अनेरिया बुझीले, तबहू हम आ जाइले रुआ लोग के दरवाजा खटखटावे खाती। आज फिर से हम बिहार के राजनीति और देश के राजनीति से जुड़ल ऐसने कुल बात लेके आयल बनी जौन की रुआ लोग के जानल बहुत जरूरी बा। जानल ऐसे जरूरी बा कि नीतीश कुमार एक खाली फिर से फरार हुई हैं का। ये चर्चा हुआ खूबसूरत होकर, लेकिन हम काहे ये बात कहतनी, कारण कि जब जब हम ये बात कहले बानी तब तब लगभग लगभग का हर बेरी ये बात सही भइल बा। 2015 में भी हम कहले रही जे भोजपुरिया समाज के लोग बा और जे जानत रु हमरा के वह बात के तस्दीक करी कि हम 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के तरफ गई रहन तोनो घड़ी हम ये बात कहले रही कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो ना कि भाजपा के पुनः सत्ता में ले आवे खातिर लालू प्रसाद के, और लालू प्रसाद जो धीरे धीरे करके 2010 के बाद टुकटुका रहल बन, उनका के पूरी तरह से समाप्त करे खातिर ही काम कर रहल बन। कहीं ऐसा तो ना कि जीत करके और सरकार बना करके सीट ले आ करके और नीतीश कुमार जो 2014 के चुनाव भइल ओकरा में बुरी तरह से परास्त भइले तो डर से लालू प्रसाद के संगे जा करके सीट ले आ करके और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में ले आई हैं। ओ घड़ी नीतीश कुमार कहले रहन कि माटी में मिल जाए लेकिन भाजपा के संगे ना जाए। भारतीय जनता पार्टी से उनका नाराजगी रहे नरेंद्र मोदी के लेकर के और अमित शाह के लेकर के। हालांकि अमित शाह ओ घड़ी बहुत इतना बड़ा कद में ना रहन, लेकिन नरेंद्र मोदी के कारण और नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के जो मजबूत गठजोड़ रहे ओकरा के लेकर के नीतीश कुमार डराई रहन कि अगर नरेंद्र मोदी ये देश के गद्दी पर बैठ जाता रहे, और पिछला लगभग 15-18 साल से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अपना अंकुशी में फंसा कर रखले वाण, एनडीए के कमान अपना भिरी रख करके और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा बा एजेंडा के लागू निखन होके दे, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के जो सारा राजनीति बा वो भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर दे और उनका उनकर छवि जो सेकुलर के बा ओकरा के ह्रास हो जाए। नीतीश कुमार के सोच काम कैलस और फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर ले आ करके नील डाउन करा करके और 2017 में फिर से सत्ता में ले आ करके ये एहसास करा दिले कि बड़ भाई तो नीतीश कुमार बाड़े। 2019 में भी जो भइल तुम देखा तनी, एकरा साथ साथ 2019 के बाद जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव लड़ले तौना घड़ी भी हमने के ये बात कहले रही जा, और खास करके रुआ हमरा बारे में जानता नहीं तो रुआ ये बात के सुनले हो कब कि हम पहले कहले रही कि नीतीश कुमार टिकिए ना, कारण कि नीतीश कुमार लगातार ग्राफ उनकर गिर रहा बड़ुए जौना के ठीक करे खातिर वे खाली फिर से अपन वैल्यू बढ़ावे खातिर अपन ग्राफ ऊँचा करे खातिर एक बार फिर से पाला बदली हैं और भइल अइसने 2020 से 2022 दू साल के अंदर में नीतीश कुमार पाला बदल दिले, ग्राफ जितना ऊँच करे के रहे उतना ऊँच कर दिले। नरेंद्र मोदी के बात के डर बैठा दिले कि नीतीश कुमार अगर
तारा खेमा में नहीं खान तो तारा के सत्ता तक ना पहुँचे दी हैं और ये धक से लागल नरेंद्र मोदी डरा गई ले और नीतीश कुमार के फिर अपना पाला में ले आई ले। फायदा नीतीश कुमार के मिलल कि आज वो नरेंद्र मोदी जो 2019 में एक सीट उनका से बेसी रहन आज उनका बराबरी पाके खड़ा बढ़े और 2020 के बदला ढेर लोग से ले ले। ये पूरा कहानी में अब आगे हुआ समझे कि जब 2020 में और साथे सरकार बनौले 2022 में अलगा भैले तो कहले कि जीते जी तो अब हम भाजपा के संगे ना जाए। अब यही बात के रिवर्स गियर में हुआ देखी तो 2024 में जब 17-18 महीना के बाद नीतीश कुमार फिर से वापसी कैले एनडीए में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो नरेंद्र मोदी के मंच पर कहले रहन कि बहुत एने ओने गए अब केनहू नहीं जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार जब जब जेने ना जाए के बात कहले उन्हीं गइल बाड़े। एकर मतलब कि का नीतीश कुमार एक बार फिर से अपन क्रिया जोन खैले बन और बार बार क्रिया तोड़े ले वो फिर से तोड़ी हैं। ये सारा कहानी के अगर हुआ देखा था तो फिर से 2013 में जाए के पड़ी और ये समझे के पड़ी कि खाली फिर से भारतीय जनता पार्टी कमजोर भइल बा और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आरएसएस खड़ा हो गइल बा। आरएसएस के खड़ा भइला से का भइल बा इरुआ अच्छी तरह से जानता नहीं। आरएसएस फिर से अपना एजेंडा पर और हिंदुत्व के लेकर के फिर से एक बार उफान मचाई और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार खातिर बड़ा मुश्किल हो जाई सर्वाइव कई। कारण कि नीतीश कुमार के छवि जौन बा वो पूरी तरह से सेकुलर छवि बा। नीतीश कुमार अब ही अपना कमिटी के नव निर्माण कैले है गठित कैले है। वो कमिटी में से लगभग 136-137 आदमी के बाहर कैले है और कमिटी के छोटा आकार कैले है। वो ये खातिर कि आवे वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा मजबूती के साथ कमिटी के टाइट करके कम लोग के द्वारा अधिक काम करावे खातिर। एमे ढेर लोग ऐसा हो गए रहा जो ना देख लो कब कि खेत बधार में असही लमेरा घास जाम जला वही टाइप के हो गए रहा। बड़ बड़ लोग के अब के लिए कमिटी से बाहर रखल गई बा जिनका पर जरा सा भी शक रहे कि बात एने उन्हें करे ले। एनही उन्हें कहिला से नीतीश कुमार के एह खेमा से वो खेमा में जाए के पड़ेला और अब की हाली एक हाली फिर से नीतीश कुमार अपन पुरनका जो शक्ति रहे ओकरा के संचय करे के शुरुआत कर दिले बाड़े। कोयरी और कुर्मी पर विशेष ध्यान बा यानी कुशवाहा लौकुश समीकरण जो बा ओकरा पर विशेष ध्यान बा और 115 आदमी के कमिटी में 36 गो लौकुश समाज से लोग के स्थान दिहल गई बा। तो ये दलित समाज के भी जोड़े के कोशिश कर गई बा जना में अति पिछड़ा 19 गो और दलित समाज से 10 गो वैश्य भी 10 गो बाड़े और यादव समाज से भी 10 गो लोग के जोड़ करके राजपूत 9 गो और एक साथ साथ भूमिहार 7 गो ब्राह्मण 4 गो बंगाली भी एगो जोड़ल गई बाड़े। अब बंगाली जोड़ला के चलते अब थोड़ा सा फिर रुआ ऐसा रुकब रुआ के आगे है नुए घूमब कि पश्चिम बंगाल जाई और पश्चिम बंगाल से सीधे रुआ पटना आई केकर संग है शत्रुघ्न सिन्हा के संग है। शत्रुघ्न सिन्हा के यारी जितना गहरा लालू के संग है बा उतने गहरा नीतीशों के संग है बा। और दूदू हाली एक हाली ना दूदू हाली आकर के लोग से बातचीत कह के जब वो गई ले तो उकर परिणाम कुछ अलग नजर आ रहा बा और कुछ अलग कहानी हुई कायस्थ एगो एक कमिटी में स्थान दिहल गई बाड़े। लेकिन इस सब के बाद नीतीश कुमार आखिर ऐसा करी है काहे तो ये सारा बात के लेकर के रुआ एक बात समझे के पड़ी कि दो राज्य में चुनाव बा और ओजा भारतीय जनता पार्टी के स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थे। जो सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक आ रहा बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी अपन पिछलका रिकॉर्ड दोहरावत नज़र नहीं खे आवत यानी कि सरकार भी मुश्किल में पड़ सकेला। जैसे लोकसभा में केंद्र में नरेंद्र मोदी कमजोर भइल बाड़े वैसे ही अगर राज्य में भी कमजोर होके लागस तो नरेंद्र मोदी के ताकत घटी और एक घटत ताकत में और भी कई गो ऐसा मुद्दा बा जौन कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ओकरा के करवावल चाहत रहे हा ना कैले पलटी मार गइले। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के मौका मिली तो वो चीज़ के लेकर के दबाव बना सकेले। दबाव बनावे के जो कारण एगो और बा कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में रुआ देखले हो कब कि जे भी बिहार से एनडीए के घटक दल बा वो सबसे अकेला में अलोता में बुला बुला के भितरिया बात करते रहे।
और भितरियाबाद के संकेत यही बात से रुआ लगा सकिले कि चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक, उपेंद्र कुशवाहा के 4 साल के जगह पर 2 साल भारतीय जनता पार्टी भेजलस, ओकरों के लेके नीतीश कुमार पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, नीतीश कुमार उनका हाथ पकड़ करके कहले कि हम ना भैया तोरा संगे घात तो कैले बड़ा सो, हम तो तोरा के कुछ कहबो ना कहीं, हम तो दोनों सीट दे दिले रही तोरे खाती, बाकी तो का करबे घात हो गई बा। अब उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी बात डाल दिले, इन्हें चिराग पासवान के पार्टी में हाले फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी भेंट का कैल पशुपति कुमार पारस से कि ओकरो हवा उड़ गई, के हवा उड़ाओ हम नहीं जानत, लेकिन हवा तो उड़ गई कि 5 गो में से 3 गो फरार, ये सब के लेकर के जो चिराग पासवान बाड़े हाउ हाउ में झारखंड पहुँचले और वही जाके कार्यकारिणी के बैठक कैले और कमिटी के एक बार फिर से गठन करे खातिर खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करवा लेले। अभी कहानी वह समझ में आ गई हुई, लेकिन कहानी के साथ और भी कई कहानी जुड़ल बा जौना में नरेंद्र मोदी से जब पलखत पई हैं तो नीतीश कुमार बदला ले ली हैं। आरक्षण के मुद्दा पर नरेंद्र मोदी जौना तरीका से दिल्ली से बैरंग वापस भेजले रहन नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार पटना में आकर के तेजस्वी यादव के साथ मिल करके आरक्षण बिहार में करावे खातिर, माफ करब जातीय गणना करावे खातिर पूरा के पूरे जौन कहानी रचले रहन और करा करके ओकरा के आरक्षण तक लेके गईले और आरक्षण के सीमा बढ़ावे कैले, ओजो नरेंद्र मोदी से उनका घात मिलल। 9वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर बार बार कहता रहे, कारण कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आइल बा, ओकरा बाद बढ़ावल आरक्षण के यथास्थिति में कायम कैल गई बा कि आरक्षण ना बढ़ी। एकरा खातिर नीतीश कुमार एक तो जातीय जनगणना देश भर में करावे खातिर और दूसर का आरक्षण के जो सीमा बढ़ौले बा बिहार ओकरा के 9वीं अनुसूची में शामिल करके ओकरा के मूर्त रूप देवे खातिर दबाव बना रहल बाड़े। वक्फ बोर्ड वाला मामला के लेकर के नीतीश कुमार चुप्पी सधले बाड़े, गूंगी सधले बाड़े, और धीरे धीरे करके जो मुस्लिम समाज के लोग बा उनका से भेंट करता, अब की हाली अल्पसंख्यक समाज के 8 गो लोग के अपना एक कमिटी में शामिल भी कैले बा, यानी कि एक तैयारी और भी नीतीश कुमार कर चुकल बाड़े जरूरत पड़ला पर नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से अलग होके खाती। एकरा अलावे लेटरल एंट्री में पूरी तरह से गुम्मी साध करके और एकरा के संवैधानिक रूप में ले आवे के, आरक्षण के दायरा में ले आवे के बात कर रहल बा। बात यहाँ तक ले नहीं खे, एकरा अलावे आरक्षण के भीतर आरक्षण के लेकर के भी जे नाराज चल रहा बा उ सब लोग से भेंट कर रहा बा, जे एकरा संगे बा ओकरो से भेंट कर रहा बा, यानी एहू मुद्दा पर नरेंद्र मोदी के घेरे के तैयारी चल रहा। और इस सारा मुद्दा चाहे वक्फ बोर्ड के होके, लेटरल एंट्री के होके या अन्य मुद्दा, नरेंद्र मोदी के सरकार 10 साल के बाद बैकफुट पर बा। 10 साल में सिर्फ एक आदेश के वापस कर ले रहे जो किसान बिल रहे और वह बहुत मुश्किल से भैले रहे वापस, पूरा पार्टी ना चाहत रहे नरेंद्र मोदी अपना दम पर अपना बदौलत ओकरा के वापस कर ले रहन, कारण कि उसे बहुत दुनिया भर में किरकिरी होत रहे। इस सारा बात के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जा एगो ऐसा मामला बा जो उनकी बुरी तरह से फंसल बा और विशेष राज्य के दर्जा नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के ना दी हैं, यह बात के रुआ लोग के जाके देख सकिले भारत लाइव पर, हम खबर करके बतौले नहीं कि आखिर काहे ना दी हैं। और वित्त राज्य मंत्री एकरा पर स्पष्ट कर दिले कि ना मिल सकेला, कारण कि 2012 में ही ये आदेश पारित हो गई रहे और ओकरा लोक में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा ना मिल सकेला। विशेष पैकेज कुछ कुछ मिल रहा बा जौना के जब तक ले सरकार बा केंद्र में नरेंद्र मोदी के जितना झुका सकल उतना झुका के अपना फायदा खातिर अधिक से अधिक लेवे के कोशिश चल रहा बा और तेजी से चल रहा बा। एकरा अलावे सब चीज के कैसे निरस्त कर जाई एकरा खातिर लोग बतौले रही कि कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी भी तैयार बढ़न कि नीतीश कुमार अगर चाहत अरे CM से PM बनल तो हमारा कोनो आपत्ति नहीं के, लिखित में हमारा से ले लेस, रजिस्ट्री करवा लेस, बॉय लिखवा लेस प्रधानमंत्री के कुर्सी, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढेर दिन ना रह देव। इस सारा बात के साथ साथ RSS के सक्रियता से भी नीतीश कुमार के नाराजगी और नीतीश कुमार अलर्ट मोड में बढ़ान, लेकिन ये सारा बात के लेकर के जब रुआ पूरा विवरण करब एक जगह सारा मामला के लेकर के आई तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आई कि नीतीश कुमार जब जब क्रिया खा ले
तब तब वो क्रिया तुरे ले। लड़काइयों में रुआ लो देखले हो कब कि लड़का बहन से क्रिया खालन से हैसे कानी अंगुरिया सटा कहलन से कि क्रिया खत्म रुआ देखले हो विद्या कसम तो फलान कसम तो हई कसम तो हौ कसम लड़का खालन सनु आ तुरंत ऐसे अंगुरी में अंगुरी मिला के कहलन सनु कि बस हो गई आज से मेर। एक मतलब सीधा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जौन सामने नजर आवता ओकरा से अलग भी तैयारी शुरू कर दे बाड़े और ये तैयारी कहीं ना कहीं यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि आरएसएस के एंट्री होते नीतीश कुमार के जौन व्यवहार में परिवर्तन आइल बा और उनका ये बुझा रहा बा कि आरएसएस दबाव बना सकेला एकरा से निजात पावे खातिर नीतीश कुमार हो सकेला कि 240 सीट वाला के बाकी के लोग के और 52 सीट के रुआ बतौले रहे कि 52 सीट जौन बा एनडीए में वो सबके धीरे धीरे करके अपना खेमा में ले आवे के कोशिश शुरू हो गई बा। ऐसा बात बा जौन की पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हिला के रख ले बा। एक अलावे एगो और रिपोर्ट जौन की भारत लाइव पर वालों देख ले हो कब कि एक रशियन स्पुतनिक से जौन खबर आइल बा रशिया से वो खबर में बात के कहल गई बा दावा कर जा रहा बा कि अमेरिका नरेंद्र मोदी के कद कम करे खातिर नरेंद्र मोदी के लगातार जौन ग्राफ बढ़ रहा बा ओकरा के डाउन करे खातिर और हिंदुस्तान में हिंदुत्व के बढ़त जौन आधार बा ओकरा के उजे विराम देवे खातिर सरकार गिरावे के हर वो संभव प्रयास कर रहा बा जौन के प्लानिंग के तहत कई गो नेता जौन कि नरेंद्र मोदी के साथे बढ़ान एनडीए में और जौन उनका विरोध में बढ़ान सबसे मुलाकात एक एक करके हो रहा बा। कितना सच्चाई बा एक पर हमार कोनो दावा नहीं है लेकिन चूँकि एगो पत्रिका के एगो देश के दावा बा तो यह दावा के निरस्त ना कर सकिले एक के अन्यथा में रुआ ना ले सकिले यानी कि पूरा के पूरा माहौल बदले के परिस्थिति नजर आ रहा बा। एमें कितना सक्षम बा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और यह देश के लोग कि जौन आवे वाला देश के भविष्य बा ओकरा के कैसे सिक्योर कल जाए। आज खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेब यह उम्मीद के साथ कि खुटा ठोक पर रुआ लोग प्यार दुलार आशीर्वाद बरसावत रहब और अगर रुआ बुझाता रुआ चाहता नहीं कि हम कोनो और विषय पर रुआ लोग से बातचीत करी खोज करके रुआ लोग तक खबर पहुँचाई सूचना दी तो रुआ लोग खुल के बताई सब है। लेकिन अगर भोजपुरिया बानी तो हम क्रिया धरा होते हैं रुआ से हम तो हँसाऊँ ना करब हम क्रिया धरा होता नहीं कि भोजपुरी बाजते एक देखी पूरा और संगे संगे अपन विचार जरूर लिखब सब है गोर लागत नहीं।